संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जूता दस्तकार से संत शिरोमणि बने रविदास जी ने समाज को सत्य के पथ पर चलने का रास्ता दिखाया। दलितों की राजधानी आगरा में रविदास जी की जयंती के अवसर पर समाज को जागरूक करने के लिए झांकियां निकाली गईं। संत शिरोमणि की झांकियों का जगह जगह स्वागत सम्मान किया गया। संत रविदास जयंती समारोह समिति द्वारा गुरु रविदास जी का 647वां जन्मोत्सव मनाया और झांकियां निकालकर समाज को रविदास जी की सीख पर चलने के प्रति जागरूक किया। वहीं भीमुआ व्यापार मंडल ने संत रविदास जी जयंती समारोह समिति के सदस्यों को सम्मानित किया। सतगुरु कबीर पंथ महासभा सेवा समिति, महासभा सेवा ट्रस्ट से सचिव वीरेंद्र सिंह, आज जो हमारे संत शिरोमणि रविदास साहेब जी हैं उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसमें हमने अपने सतगुरु कबीर साहेब के बैनर तले ये कार्यक्रम दिया है, जिसमें जल और प्रसाद की सेवा दी गई है। ये सारी चीज़ें हमारे समाज के उत्थान को लेकर के, विकास को लेकर के इस तरह के कार्यक्रम हर लोग देते हैं, जिसमें हमारे समाज का विकास हो, मानव का विकास हो, शिक्षा की ओर अग्रसरता हो, तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा, जो लोग अशिक्षित हैं या जैसे भी हैं कि मतलब जैसे इनकी रुचि नहीं है ऐसे कार्यक्रमों की ओर, तो उसको लेकर के हमें इन चीज़ों पर ध्यान देकर सभी लोगों का ये फर्ज बनता है कि अपने समाज हित में सेवा दें और आगे भी इस तरह की सेवा करते हैं। सर जी, उस जमाने में हमारे यहाँ छुआ छूत बहुत ज़्यादा था और ये वास्तव में ही एक मतलब ऐसे ही कास्ट में पैदा हुए थे, इनका काम ही छूटा बनाना था, तो इन्होंने जो अपने कर्म के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने भक्ति के ऊपर भरोसा करते हुए और समाज में एकता लाने के लिए, समाज में जाति पाति का भेद मिटाने के लिए इन्होंने जो है एक मुहिम चलाई थी, समाज में एकता कैसे लाई जाए। और हमारे यहाँ उस जमाने में तरह तरह के विभिन्न तरह की पूजा पाठ हुआ करती थी, इन्होंने जो है एक सूत्र में बांधा जो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, इन्होंने ये सिद्ध किया कि सत्य पर चल करके ही जीवन सफल हो सकता है और सत्य पर चल कर ही समाज में जो द्वेष है, जातिवाद का, छोटे बड़े का, गरीब व्यक्ति का, वो खत्म हो सकता है। इसलिए आज जयंती मनाई है, किस तरह से मनाई गया ये सतगुरु कवि सतगुरु जो है नेता जी के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली गई है, हम लोग जब भी महापुरुषों की कोई भी शोभा यात्रा निकलती है उसमें हम जागृति करने के लिए प्रसाद है, पानी है, सेवा है, वो सेवा देते हैं। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में भीमुआ व्यापार मंडल के सभी साथियों ने बड़े जोर शोर से एक विशाल मंच लगाया और उस पर सभी झांकियों का स्वागत किया गया। जिन लोगों ने झांकियाँ निकाली उन सबको एक स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र व्यापार मंडल द्वारा भेंट करा गया और साथ साथ जितने भी समाज सेवी हैं और राजनेता हैं उन सबका सम्मान आज भीमुआ व्यापार मंडल ने मंच के माध्यम से किया। साथियों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज संतों के शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जिन्होंने ये सिखाया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब आपका अगर मन अच्छा है तो आप कहीं भी जो पानी छुएगा गंगा जल बन जाएगा। तो ऐसे महान संत का आज जन्म हुआ और हमारे बड़ी ये खुशनसीबी है, ये एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए सौभाग्य है कि इस धरती पर, भारत की धरती पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ, समाज में ऊंच नीच के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ काम किया और पूरा जीवन समाज को समर्पित किया। ऐसी महान संतों को हम भीमुआ व्यापार मंडल के माध्यम से नमन करते आ रहे हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय गुरु रविदास। कबीर साहब संत से महामंत्री हूँ। संत शिरोमणि रविदास साहब की जयंती है आज, बड़े अच्छा लग रहा है। आगरा शहर में, पूरे देश में मनाई जा रही है, देश में समाज को एक करने के लिए, भाईचारा एक करने के लिए और ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा है उन्होंने। मेरा नाम शारदा है और मैं ये संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह की अध्यक्ष हूँ और हम ये जयंती पिछले 45 साल से मनाते चले आ रहे हैं। आज हम 600 संत शिरोमणि रविदास जी की 647वीं जयंती मना रहे हैं। हम अपने महापुरुषों की जो सिद्धांत है, समता, रास्ता, स्वतंत्रता का भाव जो हमेशा उन्होंने फैलाया है,
जन जन तक पहुँचाने के लिए ऐसे ऐसे हम ये जयंती हर साल मनाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि वो 14वीं सदी में पैदा हुए थे और 14वीं सदी में पैदा होकर के आप एक बात को देखिएगा कि 14वीं सदी में जहाँ सूत्रों को पढ़ने और लिखने का अधिकार नहीं था, और अब विडम्बना आप देखिएगा कि आज जिन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, आज पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटियों में यदि किसी को पढ़ रहे हैं तो वो संत रविदास को पढ़ रहे हैं। आज आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जो संत रविदास को स्कॉलर कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, जिसे करने के बाद के वो डॉक्टर कहलाते हैं। जो रविदास जी ने जो 14वीं सदी में जो बात कही थी वो बड़ी कहते हैं विकसित विचारधारा की बात थी। उनका एक दोहा बहुत ही प्रचलित है जिसे आपने सुना होगा कि चाहूँ ऐसा राज जहाँ मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब सम रहें रैदास रहें प्रसन्न। ये जो उनका दोहा है ये कहता है कि व्यक्ति जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए कि किसी ने ऊंची जाति में जन्म ले लिया तो वो उच्च हो गया, किसी ने नीची जातियों में आपने जातियां बना दी कि जिसने जाति में जन्म लिया वो नीच हो गया। जबकि रविदास जी कहते हैं कि आदमी कर्म के आधार पर होना चाहिए। यदि किसी के कर्म अच्छे हैं, यदि उसका कर्म अच्छा है, वो सद्गुण वाला है, वो चरित्रवान है, तो वो व्यक्ति अच्छा है। और यदि चाहे वो उच्च जाति में पैदा हुआ व्यक्ति यदि कर्म से अच्छा नहीं है, यदि चरित्रवान नहीं है, सत्य बोलने वाला नहीं है, तो उच्च जाति में बेशक पैदा हुआ है लेकिन वो व्यक्ति उच्च नहीं है या पूजने योग्य नहीं है या पूजने लायक नहीं है। इसीलिए कर्म के आधार पर। और मुझे विडम्बना ये लगती है कि आज भी 14वीं सदी से आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं, हम गर्व करते हैं, हम आजाद भी हैं, और अब तो बहुत बड़ा ढिंडोरा पिट रहा है कि हम जो है सर्वशक्ति बनने वाले हैं। लेकिन आज भी देख लीजिए कि जिस जातियों का संत रविदास जी ने 14वीं सदी में विरोध किया वो जातियां आज भी इस देश में विद्यमान है। हम वो राज्य नहीं बना पाए जैसा राज के रविदास चाहते थे। उन्होंने कहा था कर्म प्रधानता की बात जो उनकी नकल क्या थी है कि रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि यदि आपका मन अच्छा है, मन साफ है, यदि मन पवित्र है तो आपको कहीं ना गंगा जाने की जरूरत है, ना आपको कहीं मंदिर और मस्जिद जाने की जरूरत है। और यदि आपका मन ही मैला है, यदि आपका कर्म ही अच्छे नहीं है तो आप कहीं भी चले जाइए आपका भला होने वाला नहीं है। रविदास जी ने एकता पे बल दिया था कि आप एकता में रहें। और आज उनकी जो दी हुई शिक्षाएं थी चाहे वो 14वीं सदी की है, लेकिन मुझे आज भी इस बात की जरूरत महसूस होती है कि उन शिक्षाओं का पालन करना हमें आज भी जरूरी है। यदि हम एकता चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तो हमें संत रविदास जी की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। आज रविदास जयंती समारोह आयोजन समिति की ओर से रविदास जी का 1400 जयंती मनाया जा रहा है। मैं पूरे आगरा वासियों को उनके जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। और जो बात उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से कही थी उसको फॉलो करने का, उसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयास हमारा पूरा जी जो रविदास कर रहा है वो तो प्रण लेते हैं। आज और पूरे आगरा जनपद के सैलाब के रूप में आज यहाँ पर देखे पूरा आगरा जनपद से विभिन्न शहरों क्षेत्रों से झांकिया होकर एक वृत्तांत होगा उनके जीवन के वृत्तित्व को प्रदान करते हुए, उनके जो जीवन शैली थी उसको कोट करते हुए, उनके दोहों को उनको नोट करते हुए आज पूरा संदेश समाज के बीच पहुँचा है। मैं फिर से आगरा वासियों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत